नमस्कार, मैं आनंद कुमार, गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। प्यारे साथियों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 की, जिसके एग्ज़ाम को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कुछ विशेष सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी हमने हिम्मत भी नहीं हारी है। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लगातार पूरी ईमानदारी से ये प्रयास कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम की डेट घोषित कराई जा सके, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इसको घोषित कराने में सफल भी होंगे। तो आज दोस्तों, हम लोग जो बात करने वाले हैं, पिछली बार हमने लखनऊ चलने की बात कही थी और उसके लिए प्रयास किया, बट उतना समर्थन उस मात्रा में नहीं मिल पाया था। केवल 9 लोग वहाँ पे भर्ती बोर्ड कार्यालय में पहुँचे और उन लोगों को भी सही सलामत जवाब नहीं मिल पाया था। तो इस बार हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, ये मैं फिर कह रहा हूँ, यदि हम लोग 100 से अधिक मात्रा में लखनऊ भर्ती बोर्ड चलते हैं तो वहाँ से जो भी बातें स्पष्ट होंगी वो निकल के हम लोगों के सामने तक आएंगी कि सच्चाई क्या चल रही है। अभी कई सारे बड़े यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर हर लोग डेट के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन वो एक मनगढ़ंत डेट है, उसको लेकर किसी के पास भी कोई ठोस एविडेंस नहीं है। कोई उसके लिए कोई अंदाज लगा रहा है, कोई किसी प्रकार अंदाज लगा रहा है। तो इस अंदाजे से, इस भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए हम लोगों के पास एक ही माध्यम बचा है कि भर्ती बोर्ड चला जाए, उन लोगों से बात करी जाए, एग्ज़ाम को लेकर क्या रणनीति वहाँ चल रही है, क्या कहाँ समस्या आ रही है, इन सब प्रश्नों के सवाल जानने के लिए इस बार जो हम लोग डेट डिसाइड कर रहे हैं वो 15 मई दिन सोमवार को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। और इस दिन कितने समय भर्ती बोर्ड इकट्ठा हुआ जाएगा, समय होगा वो सुबह 10 बजे। सब लोगों को भर्ती बोर्ड चलना है जो तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स में है विधानसभा मार्ग पे, तो वहाँ पे सारे लोगों को चलना है। मेरा सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो भी लोग लखनऊ के आसपास जनपद गए हैं वो मेरे इस नंबर 9810455761 पे मेरे से कॉल कर सकते हैं। जो मेरे से बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों, और लगभग सभी मेरे से बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ और यूट्यूबर हूँ भी नहीं दरअसल में, शुरुआत है मेरी, तो मेरी उन सभी बड़े यूट्यूबरों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया यदि आप तक ये खबर पहुँचे, बच्चे आप तक इस बात को पहुँचाएँ, तो आप लोगों से प्लीज़ एक 2 मिनट का वीडियो आप लखनऊ चलने को लेकर आप बना देंगे तो आपके चैनलों पे जहाँ हज़ारों में व्यूज़ आते हैं वहाँ से 100 बच्चे हमको चाहिए सिर्फ, जो लखनऊ हमारे साथ चल सके और जो भी हमारे बाजी प्रश्न हैं उनको हम उठा सकें। आप लोगों के कोई प्रश्न अगर हैं आप प्रश्न भेज सकते हैं हमारे पास, क्या क्या सुझाव उसके लिए, क्या क्या बातें हम लोगों को वहाँ पूछनी है, वो सब चीज़ें आप लोगों से मैं आमंत्रित करता हूँ, सादर आमंत्रित हैं। आपके जो भी सुझाव या प्रश्न हैं वो सब आप करिए। मैंने इस नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है रेडियो ऑपरेटर के नाम से, जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं लखनऊ। पिछली बार कई सारे लोग जुड़े थे, किन्हीं कारणवश वो नहीं चल पाए, मैं उन पुराने साथियों से भी संपर्क करूँगा सबको, और सब लोग मिलकर 15 मई को एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग लखनऊ कूच करेंगे। और तब तक कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि आचार संहिता लागू है और चुनाव चल रहा है, तो वो प्रकरण भी 11 मई तक समाप्त हो जाएगा और हम लोग चल रहे हैं 15 मई को, तो तब तक जो है बाकी सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी और हम लोग इस बात को लेकर लखनऊ भर्ती बोर्ड चलेंगे। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जो बड़े यूट्यूबर हैं उन लोगों से निवेदन करें कि एक वीडियो
ट्विटर अभियान को लेकर तो चला ही रहे हैं, हम लोग भी उसमें साथ हैं, कमल जिसे वो मालवीय क्लासेस के कमल सर ने बनाया था, अन्य कई सारे चैनलों जैसे अरुण सर हिंदी वाले, उन्होंने भी इसको लेकर वीडियो बनाया, अंकित भाटी सर का भी वीडियो आया, लेकिन वो ट्विटर कैंपेन को लेकर नहीं, वो सिलेबस और उन चीज़ों को लेकर आया। बाकी चीज़ों की जानकारी देना भी आवश्यक है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाए, और ये अगर एक दो बड़े यूट्यूबर भी साथ आ जाते हैं तो बहुत आसानी से संभव हो सकता है। मेरा उन सब लोगों से निवेदन है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह या टेलीग्राम ग्रुप है आप उनमें इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, और जो भी हमारे बड़े यूट्यूबर हैं, मेरा फिर उनसे निवेदन है कि 15 मई के लिए बच्चों को लखनऊ आने को प्रेरित करें, और जो लोग लखनऊ आ सकते हैं वो मेरे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर लें। हम लखनऊ आ रहे हैं 15 तारीख को, आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इस बार सफल भी होगा। बाकी बच्चों आगे जो भी साथियों ऑपरेट होगी वो अगले वीडियो में आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे, अभी लगभग 13 दिन का समय है, तो सब लोग फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई आपसे मिस ना हो जाए। एग्ज़ाम की डेट घोषित होते ही आप सबसे पहला काम हमारे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब करने का ही करना, अभी प्लीज़ कुछ दिन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आप इसे, ताकि इस प्रक्रिया को हम लोग सुचारू ढंग से कर सकें। अगर ये मैंने बीड़ा उठाया है एग्ज़ाम कराने का, तो ये आप लोगों के सहयोग से मैं इसे समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।